आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेजी संत श्रमणि पंच वर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान इनको सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांत जो अद्वितीय कार्य हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी प्रांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ, वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वे भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वे विशाल पंच कल्याण की संपन्न हुआ था, फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ, फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आने प्रथम बार बड़ में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम दिगंबर जी समाय नाम से मध्य प्रदेश दिगंबर जी समाय नाम सर्वी भक्त दिगंबर जी समाय नाम से राजीव प्रति मोहिनी मोदी नाम से मोनी प्रदीप नाम सर भी सरस्व नाम सर भी ये कुमार जी सीमन नाम दे सर भी श्रद्धा ये जिनीश नाम दे सर सरितर नाम दे सर अमृत कुमार जी नाम से सुधीर कुमार जी नाम से सर दीवान अंजू दीवान दीवान परिवार नाम दे सर भीम संजय कुमार जी अमित कुमार जी नाम नाम दे सर भीम नीलेश कुमार जी नाम दे सर भक्त सर भीम डॉक्टर एक जैन नीलम नाम दियसर भीम अभिषेक कुमार जी नाम दियसर अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम दियसर भीम ए रिंकू नाम दियसर भीम कंचन देवी मोहनलाल जी काला परिवार नाम दियसर भीम डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंघई परिवार नाम दियसे डॉक्टर राजू देवी परिवार नाम जैसे शहर राधा दीदी नाम जैसे भक्तन जी सला देवी अमित सुमित पूजा निशा रिदिका सुमिशिका आयता श्रेयांश आदि संपूर्ण भक्त से परिवार नाम जैसे मम्मी श्रीस्तु तथास्तु नमो जुम्मनो बिहुलमदीनम नमो दस मिनट 14 मिनट टांग निमित मा कुशलानम नो भी उन्नति पतनो मिंजान नो चारानम नमो पन्नस्यानम नमो आकाश गम नो अशी विश्वानम नमो दिट्टी विश्वानम नमो गीत बानम नमो दीवित बन तत्व नम प्रेम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य पूर्वाचल के बाबुली अवध केसरी तीर्थ क्षेत्र ने मिगिरी प्रणेता साक्षात विराजमान श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधि हरगम निपामति नमोस्तु सभी को आशीर्वाद मौस्तु मंगलम।
सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला अहिंसा में जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी जय, श्री मानव धार्मिकी जय, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय, श्री दीक्षित नेमिगिरी में विराजमान मूल की आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय, द्वादशांग जीर्ण वाणी माता की जय, विदीक्षित के विद्वान विस्तीर्थंकर भगवान की जय, ढाई दीप में तीन कम न करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय, आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्वी चरी परमितिशि संति श्रोमणि पंच वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वायु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षाठि नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणियों के लिए अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाना है, अपने जीवन में सात राज्य पार करके मनुष्य लोक में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ से सात राज्य और पार करके सिद्धिशिला तक पहुँचना है। सिद्धिशिला तक पहुँचने के लिए हमारे आपके लिए विचार करना होगा। जिस प्रकार आपके घर में सात मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, उस सात मंजिल की बिल्डिंग के सबसे ऊपर सातवीं मंजिल पर आपको पहुंचना है तो क्या करना पड़ता है? एक एक करके सीढ़ी चढ़ना पड़ती है और जब एक एक करके सीढ़ी चढ़ती तो बीच में पहुंचते ही हाय भगवान ऐसे करते करते थकते थकते आप ऊपर पहुंचते हो और कहीं आपको सम्मी शिखर के पहाड़ के ऊपर चढ़ना हो तो ये भगवान इतना ऊंचा कैसे चढ़ेंगे? सुबह 3 बजे रात्रि में ही चलना शुरू करते हैं लोग, 4 बजे चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सम्मी शिखर पर चढ़ते चढ़ते एक हाथ में लाठी है एक हाथ में लालटेन है, धीरे धीरे अंधेरे में चढ़ते जा रहे हैं। हाय भगवान, हे पारस भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ऐसे थकते थकते बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे में हम गांधा टोंक तक पहुंच पाते हैं और उसके उपरांत वहां से फिर वंदना शुरू करते हैं। भगवान आप कहाँ आके विराजमान किए, आप कहाँ आकर विराजमान हो गए, आप कहाँ इतने ऊपर आ गए, आदि आदि करते हुए हम बड़ी मुश्किल से वंदना करके दोपहर तक शाम तक फिर वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं और नीचे पहुँचने के बाद भैया कोई तेल मालिश करने वाला है, गर्म पानी है आदि आदि को याद करते हैं, तब सम्मी शिखर की यात्रा। और कहीं गन्नार की यात्रा करनी हो तो वो कितनी कठिन,
तो प्यारे बंधु, जब ये यहाँ की यात्रा कठिन है, यहाँ की यात्रा में थकते हैं, तो हमें चोह दैरा जूतंग नवलोक पुरुष संठान, ये संसार ये 14 राज्यों में व्याप्त है, और बड़े कैसे कैसे हम निगूर नित्य निगूर से निकल निकल कर आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। ये मनुष्य पर्याय भी कितने महान महान पुण्य कर्म के उद्देश्य हमें प्राप्त हुई है। इसके उपरांत हम अब आगे और भी जाना चाहते हैं, तो हमारे आचार्य कहते मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है तो क्या है, सम्यक दर्शन है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग आपका प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो प्यारे बंधु, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन घोर घोर मिथ्यात्व तो हमारे आपके साथ लगा हुआ है, ग्रीत मिथ्यात और अग्रीत मिथ्यात। अग्रीत मिथ्यात तो वह है जो आप अनादिकाल से साथ में लेकर चले आ रहे हो, और ग्रीत मिथ्यात आज ये देरी पूजना, दरी पूजना, गणादी पहाड़ पूजना, नदी पूजना आदि आदि अन्य मत मतांतरों को पूजना, वह भी मिथ्यात है जो मोक्ष मार्ग से विपरीत धर्म है, उसको पूजना मिथ्यात है। और जो मोक्ष मार्ग में साधक है वह मानना, उसको करना हमारा सम्यक है, वह सम्यक दर्शन है। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए सम्यक दर्शन के ऊपर विशेष महत्व देना है, और सम्यक दर्शन में हमारे आपके लिए विशेष रूप से 8 अंग बताए हुए हैं। उन 8 अंगों में विशेष विशेष सारे विशेष ही हैं, 8 के 8 विशेष हैं, लेकिन वात्सल्य अंग, आज वात्सल्य अंग हैं हमारे आपके लिए, मेरी भावना सिखाती है, मेरी भावना बताती है, मेरी भावना को जगाने में कारण है। मैत्री भाव जगत में मेरा, संपूर्ण जगत के केंद्रीय से लेकर पंचेंद्री तक के जितने भी जीव हैं उन सभी के साथ हमारा मैत्रीता का व्यवहार हो। लेकिन प्यारे बंधु, ये कहने में तो बड़ा सरल है, कह देते हैं, कह डालते हैं, सुनते हैं, सुना डालते हैं। जब मैत्री भाव की बात आती है तो भाई भाई में मैत्रीता नहीं है, बहन बहन में मित्रता नहीं है, बाप बेटे में मित्रता नहीं है, पति पत्नी में मित्रता नहीं है। स्वार्थ रहित होकर मान रहित होकर अभिमान रहित होकर सरल भावों के साथ मित्रता होना। और प्यारे बंधु, और विशेष क्या कहूँ, संसार में मित्रता तो जल्दी दिखाई नहीं दे रही है, और जो साधु संत भी हुआ करते हैं उन साधु संतों में भी मित्रता नहीं है। पहले के समय का सुनते हैं कि 24,000 मुनिराज का संग, कितने हजार, 24,000 मुनिराज का संग था,
जिस संघ को भद्रबाहु आचार्य संभाल रही थी। ऐसी 24,000 मुनिराजों का संघ, उनमें कितनी मित्रता, कितनी एकता थी और एक दूसरे के सहभागी थे। प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन के प्रति भावना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है और सम्यक दर्शन श्रद्धा की चीज है। श्रद्धा में हमारे आपके पास विधि से संबंधी विद्वान भी तीर्थंकर प्रभु का विशेष विशेष आराधना करने का लक्ष्य तो तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में 18 अगस्त से 27 अगस्त तक वे विदिशी संबंधी विद्वान भी तीर्थंकर भगवान का विशाल अनुष्ठान विशाल विधान संपन्न होने जा रहा है। वह भी पहली बार विधान लिखा गया है, पहली बार ही यंत्र बन के तैयार हुआ है और पहली बार ही तीक्षित नेमी नगर में जहाँ 5 पंच कल्याणकों की पवित्र भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि पर यह विशाल अनुष्ठान 20 मंडल मार कर संपन्न हो रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन में ऐसी विधान में सहभागी बनकर आप अवश्य ही अपने सम्यक्त को प्राप्त करें, अपने सम्यक्त को मजबूत करें और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अनंत दर्शन को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले श्री विदिशित के विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की जय। भरत बाहुबली भगवान की जय। ढाई दीप में 3,09,00,000 महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वीचारी परम तीसी संति शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।